बच्चों कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेहनत से। तो आइए अब हम लोग अपना कुछ आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं आगे की। इस चैप्टर में लगभग अभी दो या तीन वीडियो और से ऑन हो गए, आई थिंक एक या दो वीडियो और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 10 है आपका। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उदय और विस्तार। उदय एवं विस्तार का ही एक हिस्सा होता है वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की वाणिज्यिक व्यवस्था यानी व्यापारिक व्यवस्था और कृषि, क्योंकि जीवन का जो मूल आधार है जिससे जीवन चलता है मानव का, वह है कृषि। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी देश हो, कहीं पर भी व्यवस्था हो, लेकिन कृषि जन्य उत्पाद जो है, कृषि से होने वाले जो उत्पादन है, उनके बिना जीवन असंभव है। चाहे वो फलों के रूप में हो, चाहे वो सब्जियों के रूप में हो, और चाहे वो अनाज के रूप में हो, या इन सबको छोड़ दीजिए तो औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के रूप में भी कृषि का भारी योगदान है। ये सारी चीजें होती हैं। जब इतना योगदान कृषि का है, वाणिज्य का है, अर्थव्यवस्था का है, तो फिर इसको पढ़ते हुए हम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। और इसीलिए इस चैप्टर में इस बिंदु को रखा गया कि अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य, यानी वहां का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, कैसे अर्थव्यवस्था का उदय होता है, क्योंकि वो तो कबीलाई साम्राज्य था और कबीलों में अर्थव्यवस्था की कोई बात ही नहीं थी, इकोनॉमिक सिस्टम का कोई चांस ही नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं डेवलप थी जिससे कोई अर्थव्यवस्था होती। फिर वो कबीलाई समुदाय शहरीकरण की ओर बढ़ा, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, शहर कैसे बसे, और फिर इन दोनों के परिणाम स्वरूप वाणिज्य या व्यापार की क्या दशा निर्धारित हुई। इन सबको हम लोगों को इसमें एक साथ पढ़ना है। उम्मीद है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आई थिंक 40 मिनट तक जा सकता है, 35 मिनट 40 मिनट अधिकतम कोशिश करूंगा मैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन प्रयास ये होगा कि चीजें समझ में आ जाए भले थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इसी एक ही वीडियो में इसको कवर किया जा सकता है। अगर हम दो वीडियोस में कवर कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में, फिर गैप हो जाता है। तो शुरू करते हैं, शॉर्ट में चलेंगे। तो इस्लामी शासकों द्वारा इस्लामी शासकों द्वारा जिन क्षेत्रों को जीता गया, जिन नए क्षेत्रों को जीता गया, उन प्रदेशों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। यानी कि इस्लामी शासकों द्वारा जीते गए नए प्रदेशों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक। यानी जिन नए क्षेत्रों को इस्लामिक शासकों ने जीता, इस्लामिक समुदाय के लोगों ने जीता, उन सब का अगर देखा जाए तो मुख्य व्यवसाय या निर्भरता उनकी जो थी वो एग्रीकल्चर पर ही थी, कृषि पर ही थी, उसके अतिरिक्त और भी कोई साधन नहीं थे। इन्होंने भी इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। आरंभिक स्थिति में जाते ही ऐसा नहीं किया कि एग्रीकल्चर है या कृषि है तो आप उसमें उनको टैक्स दीजिए, ये सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं किया। शुरुआती दौर में उन्होंने जीत लिया, सत्ता को संभाल लिया, बाकी चीजें इन्होंने अपने हिसाब से चलानी शुरू कर दी, लेकिन कृषि वाले क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया। उस समय इराक व ईरान में काफी बड़ी बड़ी भू इकाइयां होती थी। बड़ी बड़ी भू इकाइयों का मतलब है कि बहुत बड़ा फार्म हाउस है और उसपे उस क्षेत्र के काफी लोग मिलकर कार्य करते हैं और एक व्यक्ति नियंत्रण रखता है, वही सबकी देखरेख करता है, सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो ऐसे में अगर इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा तो वह किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि उस क्षेत्र के संपूर्ण जनमानस से
विरोध मोल लेना होगा, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम, इससे दूरी बनाकर रखेंगे फिलहाल, तब तक जब तक हम और ज्यादा ताकतवर वहां नहीं हो जाते। हम का मतलब इस्लामी शासक, जब तक वहां और ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाते तब तक इन चीजों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इन इकाइयों पर पहले ही बताया मैंने, कृषक खेती या कृषि करते थे, कृषक इस पे कृषि करते थे, और ये जो भूमि होती थी वो गांव की सामूहिक संपत्ति समझी जाती थी। ठीक, यानी इस भूमि पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था, व्यक्तिगत कोई दावेदारी नहीं होती थी, बल्कि यह गांव की सामूहिक संपत्ति होती थी कि इस गांव को मिल जाए, गांव के लोग वहां पर कार्य करेंगे और उससे आने वाले लाभ से अपना जीवन जो है अनुकूल बनाएंगे, जीवन की दशाएं जो भी दिक्कतें हैं समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। बाद में जब धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ा, मैंने पहले बताया था ना, नियंत्रण जब तक नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं होगा इस क्षेत्र पर, तब तक आप कोई नई नीति नहीं लगा सकते। सिंपल सा है, ये क्षेत्र है और ये है आप, आपने इसको जीत लिया, आप यहाँ के राजा हो गए, यहाँ का राजा हार गया, भाग गया जंगल को। ठीक, यहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं अपने शासक से जुड़ी होगी आत्मीय रूप से, तो उसके समर्थन, लेकिन जब राजा नहीं टिका तो जनता ने भी कहा ठीक है, अगर तुम ही भाग रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाओ भाग जाओ। लेकिन अगर हम आते ही बिना इनको कंट्रोल किए, बिना इनकी व्यवस्था को पहचाने समझे कोई नया नियम बनाकर लाए और यह लगा दें तुरंत कि कल से घर से केवल 1 घंटे के लिए आप बाहर निकलेंगे, बाकी घर के अंदर बंद रहेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर जो 24 घंटे घर से बाहर रहता हो, विद्रोह कर देगा, बवाल हो जाएगा। ठीक, तो वही स्थिति यहाँ पर हुई कि जैसे जैसे इनका नियंत्रण जीते हुए नए प्रदेशों पर बढ़ता गया, वैसे वैसे इन्होंने राजस्व की मांग की। राजस्व की मांग मतलब एक राजा है, राजा की देखरेख में आप उसके साम्राज्य में खेती बाड़ी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, तो कुछ अंश हमको भी दीजिए। ठीक, यानी कि राजस्व की मांग हो रही है, और राजस्व की मांग किससे होगी, किससे होगी, कृषक से। इस तरह से एक राजस्व की व्यवस्था आई, और जब राजस्व की व्यवस्था में धन आया राजा के पास तो क्या होगा, उसका विभिन्न क्षेत्रों में निवेश होगा, जैसे सेना पर हो गया, राज्य में हो गया, सिंचाई व्यवस्था के रख रखाव पर हो गया, कृषि संबंधी अनुदान पर हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा स्कोप होता है, आप जिस पर करना चाहें। राज्य में विकास के लिए हर क्षण अवसर उपलब्ध है, बस आवश्यकता यह है कि आप विकास करना चाहते हैं। हर जगह आवश्यकता होती है डेवलपमेंट की, कभी भी डेवलपमेंट अपने इस चरम सीमा पर नहीं पहुंचता है कि वहां पर जाकर उसका स्तर समाप्त हो जाए, वहां पर कोई आवश्यकता ना हो। ठीक, सिंपल सा एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए ये ईंटें लगे हुए हैं रास्ते पे चलने के लिए, क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जब ये लग जाता है तो वहां के लोगों की अपेक्षा होती है कि इस पे पक्की रोड बन जाए। बन गई, अब पक्की रोड बन गई तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन लोग अब क्या चाहेंगे कि अब इसके दोनों किनारे ईंटें लग जाए, थोड़ा सा फुटपाथ बन जाए, वो भी हो गया, क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इसके किनारे खंभे लग जाए, लाइट वाले, लाइट वाला भी हो गया, तो अब लोग क्या करेंगे कि अब इसके पास किनारे किनारे डस्टबिन रख दी जाए। डस्टबिन रख दी गई, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अब लोग क्या कहेंगे कि डस्टबिन से कूड़ा कचरा निकालने वाला रेगुलर आए, ये भी एक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे कि झाड़ू लगाने वाला भी आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, ट्रैफिक बढ़ गया तो कहेंगे अब इस पर ओवरब्रिज बन जाना चाहिए, ओवरब्रिज बन गया सिंगल तो कहेंगे इस पर डबल बन जाना चाहिए। तो क्या है, डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं, कुछ लगाना, कुछ विकास करना चाहते हैं, तो उसके अवसर हमेशा उपलब्ध हैं, जब भी आप चाहें, जहां आप चाहें कर सकते हैं। तो ठीक वही हुआ, राजस्व की मांग शुरू हो गई, और राजस्व किससे लिया गया, कृषकों से यानी धन आया, और धन से राजा की एक इकोनॉमिक चेन डेवलप हुई, इकोनॉमिक उसकी श्रृंखला निर्मित हुई, यानी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से हुआ।
अभी जो राजस्व होता था उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। राजस्व दो तरह के होते थे, इस्लाम और गैर इस्लाम। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते थे, चूंकि राजा इस्लाम धर्म को मानने वाला था, तो उनको जो कर होता था कम देना पड़ता था, और जो गैर इस्लाम होते थे उनको कर अधिक देना पड़ता था। इनको उत्पादन का 1/2 देना पड़ता था और इनको 1/5, ठीक, इनको पांचवा हिस्सा और इनको आधा देना पड़ता था। तो इस तरह से एक कर का प्रावधान, कर की व्यवस्था सत्ता पर जैसे जैसे नियंत्रण बढ़ता गया वैसे वैसे इनके यहां आती गई। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये गैर इस्लाम लोग हैं, ये लोग देखेंगे कि हम सिर्फ इस धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए कर जाना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, धर्म परिवर्तन। यही कारण था कि राजा के नियंत्रण में कर के दरों, कर की दरों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिसके कारण भारी संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। जब देखा शासक ने, उलेमाओं ने देखा, जब धर्मगुरुओं ने देखा कि धर्म का परिवर्तन बहुत तेजी से लोग कर रहे हैं कर के लाभ के लिए, तो कर की जो दर थी, दर वह निश्चित कर दी, कर की दरें जो थी वो निश्चित कर दी कि चाहे आप इसमें रहिए चाहे आप उसमें रहिए, वो सारी चीजें अब आपको रियायत नहीं दे पाएंगी, बल्कि गैर इस्लामिक पर अलग से नए कर लगा दिए, जिसमें जजिया कर भी एक था, जजिया कर एक था। ठीक, इस तरह से कि नया कर प्रावधान ले आया गया। जब देखा गया कि धर्म परिवर्तन लोग तेजी से कर रहे हैं, तो उसमें कहा गया कि कृषि में लाभ के लिए लोग धर्म परिवर्तन न करें, वास्तव में अगर धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें, और इनके उत्पादन के बाद जो अधिशेष बचे हम उस पर टैक्स लगा देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए 1/2 इतना दे दिया है, और देने के बाद जो बचा है उसमें से हम अतिरिक्त लेंगे, और उसके बदले में इनको इनके धर्म की सुरक्षा की गारंटी देंगे कि आप अपना धर्म मानिए, आपको कोई जान से नहीं मारेगा। ठीक, तो इस तरह से समृद्ध कृषि व्यवस्था के साथ साथ समृद्ध राजनैतिक व्यवस्था भी चल पड़ी। ठीक, यानी राजनैतिक व्यवस्था भी जो थी समृद्धशाली व्यवस्था, इस तरह से चल पड़ी। कृषि में सिंचाई के लिए, नील घाटी, कुएं, नहरें, तालाब आदि प्रयोग किए जाते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप अच्छा उत्पादन होता था। ठीक, इतना समझना, आगे लिख लीजिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन अच्छा होता था। उस समय की जो फसलें थी महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी थी, हम इसको देख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण फसलों में कपास, केला, तरबूज, संतरा, पालक, बैंगन, खेती की जाती थी।
ठीक। तो आप देख रहे हैं कि सिंचाई का ये साधन है जिसके कारण कृषि उत्पादन अच्छा हो रहा है। उत्पादन में जिन जिन फसलों का उत्पादन किया जा रहा है वो है कपास, केला, तरबूज, संतरा, पालक, बैंगन आदि। ये सारी ऐसी फसलें जो खाने के लिए थी, ये ऐसी फसलें थी जिनका उत्पादन के बाद निर्यात किया जाता था। भाई वहां पर अनाज की तो अलग बात है, वो अपने खाने के लिए प्रयोग होता था। इन फसलों का उत्पादन, ये महत्वपूर्ण फसलें थी जो नकदी के रूप में होती थी, इनका उत्पादन किया जाता था तथा यूरोप को निर्यात किया जाता था। ठीक। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर फसलें कौन सी थी और कैसे इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे लोगों ने वहां की व्यवस्था को अपने हाथों में कैप्चर किया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे शहरी व्यवस्था आई, शहरीकरण हुआ क्षेत्रों का, वैसे वैसे क्या परिणाम आगे निकल गया है। अर्थव्यवस्था कृषि शहरीकरण और वाणिज्य, ये हमारा टॉपिक है। जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ी, जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ी, हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए राजस्व लिया जा रहा है, उत्पादन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो निर्यात के लिए आवश्यक है कि बंदरगाह होंगे। तो बंदरगाह किसी न किसी तटीय क्षेत्र पर होगा, वही मैदान में जमीन पर तो होगा नहीं। तो ऐसे में समुद्री क्षेत्र जो होगा, समुद्री किनारे का जो क्षेत्र होगा उसका विकास हुआ, और विकास के परिणाम स्वरूप जो रेगुलर लोग हैं जिनकी वहां पर रोज आवश्यकता है वो वहीं के निवासी हो गए। तो ऐसे ऐसे में वो क्या हो गया कि जिस क्षेत्र में बाहर के निर्यात की वस्तुएं आती हैं और निर्यात के लिए जाती हैं, वहां पर एक तरह का एक फॉर्म तैयार हो जाता है, उसका एक डायमीटर तैयार हो जाता है कि यहाँ लोग सिर्फ लिमिटेड वर्क होता है कि रहना है, खाना है, सामान को उसमें लोड करना है, आए हुए जहाज को अनलोड करना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में वहां कृषि वगैरह का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता किनारे के क्षेत्रों में, जिसके कारण शहरी वातावरण बन जाता है और शहरी व्यवस्था विकसित हो जाती है। तो जैसे जैसे राजस्व के आगमन की शुरुआत हुई, राजस्व राजाओं को प्राप्त होना आरंभ हुआ, जैसे जैसे उन्होंने वाणिज्य को बढ़ाया, व्यापार को बढ़ाया, वैसे वैसे क्या हुआ, शहरों की संख्या में वृद्धि हुई। तो शहरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई और साथ ही साथ इस्लामी सभ्यता फली फूली, वो भी खूब फली फूली। भाई अब जिसका शासन है उसी का तो विकास होगा, और किसका शासन था, इस्लाम मानने वालों का शासन था, तो इनका विकास तो होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये सभ्यता भी काफी फली फूली, बहुत सारे नए शहरों की स्थापना की गई, ताकि सैनिकों को वहां बसाया जा सके। ठीक, सिंपल सा। देखिए जो क्षेत्र बसने लायक होगा, रहने लायक होगा, तो वहां तो ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग मानव होगा, जा चुका होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्षेत्र है और यहां पर आपका ये साम्राज्य है, इसकी सुरक्षा चाहिए और ये पूरा आपका क्षेत्र है, तो आप यहाँ पर सुरक्षा करने वालों को बसाएंगे, ठीक, ना कि यहीं पर बसा लेंगे, अपने सर पे तो रखेंगे नहीं सैनिकों को, सैनिकों को तो हमेशा सीमा होती क्षेत्रों में रखेंगे। तो यही कारण था कि बहुत सारे इन बाहरी क्षेत्रों में साम्राज्य के, जहां से इनका रोज का कोई संबंध नहीं था रहने वालों का, उन बाहरी क्षेत्रों में नए शहर बसाए और उन नए शहरों में सैनिकों को रखा। ठीक, जब कोई बाहर से आक्रमणकारी आएगा तो यहाँ पर पहले घुसेगा कि पहले यहाँ आ जाएगा, तो पहले जब प्रवेश यहाँ से करेगा तो सैनिकों से सामना होगा उसका। इस तरह से क्या हुआ, सुरक्षा के लिए चारदीवारी बन जा रही है, वो चारदीवारी किसकी है, नए शहरों की। तो इन सैनिकों या फौजी जो थे, फौजी को रखने के लिए जिन नए शहरों को बसाया गया था उनका हम देख लें क्या नाम था, कुछ जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर पूछा जा सकता है आपसे प्रश्नों में कि किन्हीं तीन फौजी शहरों के नाम बताइए
या इस्लाम काल में तीन शहरों के नाम बताइए जो सेनाओं के रहने या सेनाओं से संबंधित हो। तो उसमें मिस्र सबसे पहले आता है, फिर कुफा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कुफा, बसरा, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि सैनिक शहर था बसरा, कुफा और बसरा। उसके बाद आता है फुस्तात, फुस्तात के बाद आता है काहिरा। ये जो शहर है ये किन के लिए बसाए गए हैं? सैनिकों के लिए। ये साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों पर स्थित है, बाहरी क्षेत्रों पर बसाए गए हैं ताकि सैनिकों को वहां रखा जा सके और साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन शहरों के साथ साथ कुछ और शहर बसाए गए, जैसे दमिश्क, समरकंद। जब आप लोग आगे की कक्षाओं में इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो समरकंद है इसका उल्लेख मिलेगा, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये इसी दौर में बसाया गया था। ये इस्फहान, समरकंद और दमिश्क, इन्हीं के साथ साथ कुछ अन्य शहर बसाए गए। जिससे इस्लामी साम्राज्य को नया जीवन मिला। भाई जाहिर सी बात है, शहर बसना है तो शहर बसने से साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। साम्राज्य विस्तार का मतलब है कि उस साम्राज्य में तरक्की होना, साम्राज्य की उन्नति होना। तो इनको क्या मिला कि नया जीवन मिला। जो पतन की तरफ जाने वाले थे वो क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और निरंतर अपनी समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इस तरह से ये हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं शहर में शहर कैसे बसाया जाता है। बार बार कह रहा हूँ कि बाहरी क्षेत्रों में, बाहरी क्षेत्रों में, तो बाहरी क्षेत्र और भीतरी क्षेत्र क्या था, क्या था मैटर इसका, इसको समझ लेते हैं। शहर ठीक ये हो गया आपका, इसके केंद्र में दो भवन होते थे। जो भी शहर बसाया जाता था उसके केंद्र में दो भवन होते थे। एक होता था मस्जिद अल जामी, तो मस्जिद से जुड़ा है जिससे आप समझ सकते हैं कि इसका कार्य क्या रहा होगा। इसका कार्य था नमाज, साथ ही साथ सांस्कृतिक का प्रतीक, ठीक, सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक। जैसे कहीं बहुत बड़ा मंदिर बना तो इसका मतलब क्या है, वो सांस्कृतिक सभ्यता, सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है कि इतना बड़ा रिच कल्चर था, इतनी जो है डेवलप संस्कृति थी इनकी, उसका जो होता है प्रतिमूर्ति होती है उनकी। फिर अगला आता था केंद्रीय मंडी, ये दूसरा होता था इनका। जैसे जो शहर है उसमें दो मुख्य तरह के भवन होते थे, मुख्य भवन होते थे, एक होता था मस्जिद अल जामी और दूसरा होता था केंद्रीय मंडी। भाई शासक का तो अपना राजमहल जो भी है सारी चीजें हैं ही, लेकिन इसे होता क्या है कि किसी भी शहर में देख लीजिए तो बसा होता है, इधर व्यापारिक क्षेत्र है, ये मार्केट है, वो मार्केट है, ये है, ये है, ऐसे ऐसे। तो वैसे लिमिट एरिया में क्षेत्र में चीजें मिलती हैं। जैसे कुछ क्षेत्र आपको ऐसे मिलेंगे कि यहाँ पर जो है अर्बन एरिया है, यहाँ वस्तुएं खरीदने मिलेंगी, ये कृषि का क्षेत्र हो गया, ये बंजर क्षेत्र हो गया, यहाँ पर प्रशासनिक अमला रहता है। तो इस तरह से ऐसे ही वहां पर भी होता था
कि जो क्षेत्र होता था, राज्य शहर होता था, उसको दो मुख्य भागों में बांटा जाता था। और दो मुख्य भागों में यहाँ के जो भवन होते थे वो होता था मस्जिद अल जामी, यानी कि नमाज इत्यादि या सांस्कृतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में यहाँ पर आयोजन कार्यक्रम करना। दूसरा होता था केंद्रीय मंडी, और मंडी शब्द का अर्थ है फल अनाज, ये सारी चीजें जो भी होती हैं इनके बिक्री स्थल से होता है केंद्रीय मंडी। तो इसमें क्या होता है, इसको कहते थे सुक, ठीक, केंद्रीय मंडी जो होती थी उसको सुक कहते थे। तो इसका जो काम होता था, इसमें दुकानें होती थी इस क्षेत्र में, दुकानें होती थी और दुकानों के साथ साथ व्यापारियों के आवास होते थे। दुकान और दुकान के साथ साथ व्यापारियों के आवास, इन व्यापारियों के जो आवास होते थे उनको फंदुक कहते थे, फंदुक, ये होता था इनका फंदूक होता था, इनके आवास को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इधर सब फंदूक बने हुए, मतलब व्यापारियों के आवास बने हुए हैं। यहाँ पर जो सराफा मार्केट होती थी, सराफा यानी सोने चांदी की, सराफा बाजार, तो सराफा बाजार को तुलसर कहा जाता था, तुलसर कहा जाता था। यानी कि हमने देखा जो शहर यहाँ पर बसे हुए हैं वहां पर दो तरह के भवन पाए जाते थे, एक इधर होता था मस्जिद अल जामी, एक होता था केंद्रीय मंडी, यानी ये धन से संबंधित होता था, ये व्यापार से संबंधित होता था। अगला हिस्सा यहाँ का कौन है, शासक का अपना आवास निवास हो गया। यानी कुल मिला के शहर में दो चीजें होती थी मुख्य इकाइयां, एक तो धन पर फोकस होता था, दूसरा व्यापार पर होता था। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर मस्जिदें, यानी ये जो दो भवन होते थे, दो व्यवस्थाएं होती थी, इनके साथ ही साथ उस क्षेत्र में अन्य मस्जिदें, गिरजाघर, सिनेगोग, सिनेगोग, ठीक, सिनेगोग का मतलब शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये यहूदियों का प्रार्थना घर जो होता है, यहूदियों का प्रार्थना गृह, यहूदी आदि जहां जाकर अपनी प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, ईश्वर को मनाते हैं, जरथुस्त संप्रदाय को मानते हैं, तो उनके जो स्थान होते हैं जैसे मस्जिद, मस्जिद मंदिर, गिरजाघर होता है, वैसे इनका सिनेगोग होता है। फिर साथ ही साथ होता था छोटी मंडी, छोटी मंडी के साथ सार्वजनिक स्नान गृह होता था जिसे कहते थे हमाम। यानी अब हम देख रहे हैं कि जो शहर है, शहर में जो ढांचागत अवशेष है या जो ढांचागत विकास होता था वो इन सब क्षेत्रों में होता था, इन सबको वहां पर बनाया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं आगे राजनीतिक एकीकरण का कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे खाद्य पदार्थ विलासिता की वस्तुओं का आयात निर्यात आरंभ होता है। यानी हम लोग अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं शहरीकरण के बाद वाणिज्य की तरफ। हमने देखा इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राजस्व की आय कैसे शुरू हुई, राजस्व आना कैसे शुरू हुआ, यानी शासक के पास धन कैसे आया, और जब शासक के पास धन आया तो अर्थव्यवस्था का जन्म स्वतः हो जाता है। फिर हमने देखा कि कृषि क्षेत्रों में किन किन फसलों का उत्पादन होता था, सिंचाई कैसे होती थी, और कौन से शहर कृषि में अग्रणी थे या उनके स्रोत कौन से थे सिंचाई आदि के। फिर देखा शहर में दो भाग, शहरीकृत केंद्रीय मंडी हो गया और जो धार्मिक स्थल वाला है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वाणिज्य की तरफ, यानी व्यापार की तरफ आ रहे हैं। इसमें जो है राजनैतिक एकीकरण
राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और खाद्य पदार्थों व विलास वस्तुओं यानी जो विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं थी, वस्तुओं की शहरी मांग ने विपणन के दायरे का विस्तार किया। ये लाइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। राजनीतिक एकीकरण का मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत जो थे, क्षेत्र जो थे, उनका क्या हुआ, एकीकरण हो गया। तो जो सीमाएं बीच में आ जाती थी कि अरे ये दूसरे शासक है, ये दूसरे शासक है, यहाँ की वस्तु यहाँ नहीं जा सकती, तो ये वाली बात खत्म हो गई। अब एक ही शासक है, ये वस्तु यहाँ जा सकती है और ये यहाँ आ सकती है। तो ये क्या हुआ, अलग अलग राजनीतिक शक्तियां समाप्त हुई और एक राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत सभी आ गए। तो क्या हुआ, इनका राजनीतिक एकीकरण हो गया। भले वो संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, अपने आचार विचार, वेशभूषा, पहनावा, खान पान, हर चीज के आधार पर अलग है, लेकिन राजनीतिक एकीकरण हो गया। भारत को देखिए, भारत बहुत बड़ा देश, राज्यों में बटा हुआ है, लेकिन क्या है, राजनीतिक एकीकरण है। राजनीतिक रूप से तो सब एक ही है, एक ही पार्लियामेंट के हिसाब से पूरे देश के नागरिकों को अपना कर्तव्य करना है, अपना व्यवहार करना है, भले वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अलग है। तो यहाँ पर यही हुआ कि जैसे राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों व विलासिता वस्तुओं की शहरी मांग, खाद्य पदार्थ जो खाने की वस्तुएं थी और विलासिता की वस्तुएं थी, उनके शहरों में मांग बढ़ने से विपणन का दायरा बढ़ गया, यानी व्यापार का जो दायरा था वो बढ़ गया। ये स्थिति यहां तक पहुंची। अब आगे हम देखेंगे कि मुस्लिम साम्राज्य विस्तार, तो ये राजनीतिक एकीकरण की बात हो रही है, तो कैसे उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाया, इसको देखिए। इनका विस्तार कहां था, हिंद महासागर, फिर भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के यानी हिंद महासागर से भूमध्य महासागर तक का जो भी क्षेत्र था वह सब इनके व्यापार के अंतर्गत आ गए, यानी यहां तक इनका व्यापार फैल गया। ठीक, हमने देखा व्यापार की बात हो रही है, राजनीतिक एकीकरण हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों को अपने हिस्सों में मिलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक का जो भी क्षेत्र है उन सब में इनका व्यापार फैल चुका है। पांचवी शताब्दी में अरब व ईरानी व्यापारियों का, जो अरब और ईरान से आने वाले व्यापारी थे, इनका भारत, चीन और यूरोप के व्यापार पर एकाधिकार रहा। इनका भारत, चीन और यूरोप के व्यापार पर एकाधिकार रहा। आरंभिक स्थिति, जैसे साम्राज्य का उदय होता है उसके बाद से सारी चीजें जो शुरू होती हैं, कि इस समय पांचवी शताब्दी में क्या है, एकाधिकार रहा और वह लंबे समय तक चलता रहा। ठीक, क्या कर रहा है, रन कर रहा है। जो बिजनेस का सिस्टम डेवलप हुआ था एक बार, वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट रन किया जा रहा है, चले जा रहा है, बढ़े जा रहा है। इसके बाद आगे जो होता है, ये काफी लंबी दूरी का व्यापार था,
ऐसी बात है, लंबी दूरी भाई, अरब और ईरान के क्षेत्रों से भारत, चीन और यूरोप तक जाना लंबे व्यापार की बात हो रही है। बाकी दूरी ज्यादा है, ऐसा तो है नहीं सुबह उठे रात में दुला और जाके कूद गए वहां पे। जहाजों से जाना होता था, लंबी यात्राएं महीनों और सालों लग जाते थे। तो लंबी यात्राओं में क्या क्या आयात निर्यात होता था उसकी बात करते, वस्तुएं कौन सी होती थी, मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, हुआ बारूद का भारत व चीन से आयात करते थे। ये जो क्षेत्र के लोग थे वो मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन व बारूद आदि का भारत और चीन के क्षेत्रों से आयात करते थे। और ये जो आयात का क्षेत्र था, जो पत्तन थे, वो था अदन और इधार। इन दो पत्तनों पर यहाँ से वस्तुएं जाती थी और वहां पर अरब के क्षेत्रों में उतारती थी। ये दो बंदरगाह हुआ करते थे। अब ये हो गया इनका व्यापार का ढांचा। लास्ट में दो मिनट में मैं आप लोगों को फाइनली समझा देना चाहता हूँ कि व्यापार का जो परिणाम था वो क्या था, अर्थव्यवस्था जो थी उनका क्या रिजल्ट निकल के आया। तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे राजकोषीय जो धन था, जो राजकोष था, वो विस्तारित हुआ बढ़ा। बढ़ने के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक राजनैतिक अभियान किए गए और बहुत सारे विस्तृत साम्राज्य के क्षेत्रों को, आसपास के विजित क्षेत्रों को विजित किया गया। ठीक, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम के डेवलप होने का रिजल्ट था, एक व्यवस्थित शहरों के बसने का रिजल्ट था, और साथ ही साथ कृषि और वाणिज्य के संयोजन से जो आयात और निर्यात की प्रक्रिया उत्पन्न हुई थी, इसका परिणाम था कि इस साम्राज्य ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, राजकोषीय स्थिति को अपने बेहतर बनाया और बहुत सारे अभियान किए। उन अभियानों के माध्यम से अपने संप्रदाय का, अपने धर्म का दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश कराया, दूसरे क्षेत्रों के लोगों को उसका अनुसरण कराया, उसका पालन करवाया उससे। तो ये सारी चीजें फिर ऐसे डेवलप हुई। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था, इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा लास्ट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।